हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा है आपके साथ। उनका नाम दोहराइए तीन बार, सात बार प्लीज। यहाँ पे ऐसा फील हुआ ना कि आपकी सिचुएशन में ना ब्लॉक कंडीशन दिख रही है, और ये पॉसिबल है कि दो हफ्ते पहले या एक महीने पहले, चार हफ्ते पहले, देखना एक महीने पहले वाली एनर्जी है जहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन अचानक से हुई है। और ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, डिस्कनेक्ट वो वाली एनर्जी है। अचानक से ब्लॉक हुआ है, मतलब शायद इतने महीनों में, दिनों में ऐसा नहीं हुआ था, और सालों में नहीं हुआ था, बट इनकी तरफ से या आपकी तरफ से अचानक से ब्लॉक हुआ था दो हफ्ते पहले या एक महीने पहले। ये पर्सन है ना, आपके तरफ ना स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लाइक दूर से आपको बहुत गहराई से देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी घूर घूर के, क्योंकि वो घूरने की एनर्जी आज नहीं मिल रही। आज एकदम गहराई से, एकदम दिल से, एक कोई किसी अपने को देखता है ना वैसे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कि जैसे वो कभी मेरा था या मेरी थी, या फिर मेरी है या मेरा है। बस कुछ हालात ही ऐसे है वाली एनर्जी फील हो रही है, बट दूर से, कहीं दूर से आपको जिसे देख रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक दिल से, मतलब इनकी आँखों में जो एनर्जी है, आँखों में जो इमोशंस है ना, वो कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, भले वो कितना भी छुपाए। पॉसिबल है कि ये सारी एनर्जी आसपास के लोग, जो दोस्त है या फिर थर्ड पार्टीज है, वो सारी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतने इसमें इतना उनमें चेंजेस है, इन भले ये कह रहे ना कि और सच में ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या वो बात नहीं कर रहे हैं, ढंग की बात नहीं हो रही है, जो भी है, लेकिन इनकी जो इमोशनल एनर्जी है आपकी तरफ, ये थर्ड पार्टी ना सेंस कर पा रही है, समझ पा रही है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज है ना इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, जेलस फील कर रही है, और गुस्से में भी आ रही है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने कितना समझाया, कंट्रोल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद, मतलब लिटरली ये उनके सामने ही जैसे बैठे रहते हैं, उनका फ़ोन चेक किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, क्या है, मतलब लिटरली लोकेशन भी चेक किया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब कॉल लॉग वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, उतना सब कुछ होने के बावजूद भी, उतना सब मतलब ये लिटरली कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ बिहेव नहीं कर रहे हैं जिससे कुछ ऐसा हो ना कि भाई ये इंसान का झुकाव उनकी तरफ है, ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, कि ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनकी आँखों में वो बात दिखती है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नाराज़, क्योंकि इतने वक्त पहले से उन्होंने जो आपके लिए जो फील किया ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। आई फील ना फाइव फाइव पोर्टल का बहुत गहरा असर है कुछ लोगों के, बहुत मतलब बहुत गहरा असर। अब मानो या ना मानो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो लोग आसपास है, मतलब जो फील कर सकते हैं ना, उनको पता है कि ये आदमी ना, ये जो इंसान है आपके, जो पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, बट इतना मतलब ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गए ना, या इतना मतलब पहले एकदम ऐसा हैप्पी गो लकी पर्सन था, अचानक से शांत हो गया है बहुत ज़्यादा। और शांत है ना, तो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत मतलब बहुत।
क्योंकि इनकी शांति पहले ना बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि चलो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ है, ऐसी है लाइफ, जीनी है, धक्का मारना है, वैसी थी। बट अभी ना वो चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपके लिए एकदम जान ही दे देंगे, मर जाएंगे, मरे जा रहे हैं, वैसा नहीं है एनर्जी, वैसे नहीं है एनर्जी। बट ये एक कुछ अलग चीज़ है, जो इमोशनल वैक्यूम है ना वो कुछ अलग ही है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। प्यार तो आपसे करते थे, करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट जितना इमोशनल कनेक्ट अभी फील कर पा रहे हैं ना वो पहले कभी नहीं किया। वो खुद जान के या खुद जो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो खुद हैरान है। वो अपने आप को जैसे ना टटोल रहे हैं, जांच रहे हैं कि सच में ये सब कुछ हो रहा है क्या मेरे साथ, मैं कब से इतना सीरियस होने लगा किसी के लिए भी, इतना सीरियस, इतना डीप इमोशंस। मैंने लाइफ को तो एक्सेप्ट कर लिया था, उसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया था, बट ये ऐसे कैसे हो गया, ये खुद नहीं समझ पा रहे। शायद ऐसा लगा ना कि इन्होंने आपको समझाया था कि हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता, हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता, या कुछ है ना जिसे प्यार से समझाया हो या गुस्से से समझाए हो या कैसे भी समझ। लेकिन आज वो चीज़ उनको खुद को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे बताए कि तुमको चाहे यारा बता ना पाए, तू जाने ना। ये ना किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते, और कुछ भी नहीं, मतलब इवन ये आपसे भी बात करना है लेकिन क्या बात करना है समझ नहीं आ रहा है। बस आपको देखना है, आपको गले लगाना है, वो अलग अलग लेयर पे। लेकिन ना ये इसमें फिजिकल अट्रैक्शन वाला बात ही नहीं, जैसे कोई अपने ही दिल को ढूंढ रहा हो, जैसे मिल जाए बन जाए रे को घर वाली फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा ना कि वे सालों से भटक रहे थे, जैसे भटक रहे थे, अभी जैसे उनको घर मिल रहा है। क्यों कैसे पता नहीं, आप तो वही इंसान है, आप पहले भी मिले हो और आप मिल भी रहे हो, लेकिन ऐसा क्या चेंज हो रहा है? आप में चेंज है लेकिन सिचुएशन में, स्पेशली इनको लगता ना कि इनकी इमोशंस या इनको इनकी एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा पहले ना नॉन सीरियस या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले पर्सन रहा है, लेकिन ये अचानक से ये खुद इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ये खुद नहीं जानते कि आखिर ये हो क्या। ये इंसान ना खामोश है, ये आपकी तरफ ना कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये डिज़ायर में है लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद समझ ही नहीं पा रहे किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे। अगर थर्ड पार्टी चिड़चिड़ कर रही है, उनका ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है, मतलब आर्गुमेंट करने में भी उनको इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी बोले उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर दोस्त भी आपके बारे में गलत बोलते हैं, गलत सलाह देते हैं, तो उनको पहले होता था शायद वो गुस्सा करते थे, लड़ जाते थे, कुछ एक्सप्लेनेशन देते थे कि वो ऐसा नहीं है, वैसी नहीं है, लेकिन अभी ना वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना आपके बारे में समझाने में, या आप क्या हो ये किसी को समझाना मुश्किल है। तो ये अभी पहले की तरह नहीं सोच रहे कि भाई क्या और क्यों है। पॉसिबल है ना कि आपने इनका ड्रीम देखा है, ये आपको ड्रीम में दिखे हैं कल या दो दिन पहले या जो भी है। मुझे ना रिसेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, स्पेशली कल रात की, जहाँ पे आपने इनकी ना रिलीजियस प्लेस पे देखा है उनको, रिलीजियस प्लेस, आपकी जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे आसपास कहीं ना देखा है, या फिर जैसे जो भी ईश्वर में आप मानते हो उनके सामने दिखा है कहीं, तो कहीं से टकाए है। और उस सपने में भी, इन ड्रीम में भी, और या तो ये पर्सन अभी आपके सामने है, तो ये पर्सन ना कुछ बोल नहीं रहे बट वो कुछ अलग फील हो रहे हैं और बहुत अलग है इमोशनल एनर्जी। मतलब आप खुद हैरान हो कि मतलब आप खुद पहचान नहीं पा रहे हो इस इंसान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि
यस डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन ये ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली मिलने की बात करेंगे, ये डायरेक्टली मिलने की बात करेंगे। और जब मिलेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर, क्योंकि मुझे ना अभी जिस तरह से एनर्जी फील हुई है ना, आई फील लाइक क्राइम, बट इमोशनल है, लाइक खुशी के आंसू होते हैं ना, या फिर किसी खास को मिलने के, मतलब इट्स लाइक बहुत डिफरेंट एनर्जी है, जैसे बहुत दिल से जो कनेक्टेड इंसान है वो उसको उसको काफ़ी टाइम के बाद देखा हो, या उसको पहचान लिया हो, उसको जान लिया हो। पॉसिबल है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे ना इनको ऐसा कुछ रियलाइज हुआ अचानक से कि जैसे आपको उन्होंने पहचान लिया हो। आज डिफरेंट बहुत एनर्जी है और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है। पॉसिबल आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है, 222, अगेन 11 की भी एनर्जी है, बट 222 एंड 1, यस 222 111, बट 1 अगेन 222 111, यस 444 भी हो सकता है। इनिशियली इनके ना एस हो सकता है, वी हो सकता है, आई है, टी है, और नंबर्स में मुझे 5 और 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, 5 और 2। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन कुछ लोग के लिए जैसे ना खास मैसेजेस हैं इस एनर्जी में, कुछ खास है, जैसे अभी तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, अभी तो आपको लग रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने के पहले का एक चीज़ है, बट बहुत कुछ, बट वो जो चीज़ है ना, बहुत जो होने वाली चीज़ है ना, ये बहुत गहरी है। क्या बात है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट और इच्छा है, डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि ये पर्सन है ना आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, हर चीज़ मिस की जा रही है। और इसमें ना सिर्फ आपकी बातें या अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पहले कैसा रिश्ता था वगैरह या क्या हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं उनको। जैसे ना पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में ऐसा लगा कि इन्होंने आपको पहचान लिया हो, जैसे कि आप उनके लिए बने हो, द सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप पास्ट लाइफ से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपसे कुछ तो रिश्ता है, बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है, जैसे जो भी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को जैसे ना ये धीरे धीरे से ना समझने लगे हैं या पहचानने लगे हैं, तो इनका आना हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मुझे जैसा फील हुआ ना, ये रिलीजियस प्लेसेस पे आपने उनका ड्रीम देखा है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी ना एक अलग से एडिक्शन ही फील करने लगा। ये इनको खुद को भी लगता है कि ये खुद समझ नहीं पा रहे कि ये सिर्फ एडिक्शन है, बस ऑब्सेशन है, या फिर सच में कोई गहरा नाता है, क्योंकि आपके बगैर ये ना बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, एकदम 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ना हो ना मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा ना बेचैनी क्रिएट कर रहा है, और ये अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, दे वांट फ्रेश स्टार्ट, कि अभी ना चीज़ों को, रिश्तों को एक नया मौका देना ही चाहिए। और ये चीज़ें मतलब अभी ना लोगों को समझाना इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को समझाना कि ये कौन है, पर्सन क्या है, उसका रिश्ता क्या है, ये चीज़ में वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आप उनके लिए खास तो हो, वो खुद जानने में इंटरेस्ट है, खुद क्यों खास है, ऐसा क्या रिश्ता है हमारा जो दिल उसकी तरफ ही खींच रहा है। और ये
लिटरली अपनी विश, मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपकी, डिज़ायर लाइक विश फुलफिलमेंट, लाइक हो सकता है कि ये अचानक से जाने अनजाने में दुआ में आपको मांग रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।